पिकेडियंस, आई एम मुदिता एंड यू वॉचिंग मुदिता IAS फॉर ईयर्स। सो हमने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 5.2 का लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है, पहले आप जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं 5.2, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। सो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके सिलेबस में है, इसलिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही अगर आप NTSC का एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप आफ्टर 12th कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। सो देख लेते हैं कैसे इन्हें सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे एक AP की सीरीज दे रखी है और वहाँ पे एक टर्म को हटा दिया गया है और आपको उसे फाइंड करना है। हम जानते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि nth टर्म हमें कैसे निकालना है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें जो हमने इससे पहले क्वेश्चन 1-2 सॉल्व किया है। an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 d, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे अगर हम सीरीज़ देखें AP की, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं। सेकंड टर्म को बोलते हैं a2, थर्ड टर्म को बोलते हैं a3। और AP में हर वैल्यू हमारी एक टर्म होती है। फर्स्ट टर्म को हम a भी बोलते हैं या a1 भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसे d से डिनोट करते हैं। अब इस सीरीज़ में हमें ये नज़र आ रहा है कि हमें a1 पता है, a3 पता है, a2 नहीं पता। तो a2 आप कैसे फाइंड करोगे, सो देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म a पता है, a3 पता है, और हमें ये पता है कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 d। इसी फॉर्मूले से हम सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी जो हमारी वैल्यू मिस है उसको भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, आपको अगर d पता लग जाए तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो AP में। अगर आपको कॉमन डिफरेंस, तो हम यहाँ से d निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, देखते हैं। अगर हम देखें, मैं यहाँ पर आपको साथ साथ सॉल्व करके बताऊँगी। हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 d। ओके, सो हमें a3 पता है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, n की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 3। a3 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें पता है 2 प्लस यहाँ पे कितना है n, 3। तो फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1, और d की जगह पे हम d ही लिख देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है। सो मैंने वही चीज़ यहाँ पे की है कि अगर हम a3 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 माइनस 1 d। और हमें a3 की वैल्यू भी एग्जैक्टली पता है। यहाँ पे आपको बॉक्स में नज़र आएगी कि a3 की वैल्यू आपको एग्जैक्टली पता है, कितनी है a3 की वैल्यू, 26। तो वो वैल्यू अगर हम रखें तो हम d कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, a3 की जगह पे क्या रख दिया, 26 इक्वल टू a की जगह पे क्या रख दिया, 2 प्लस 2 d। अब यहाँ पे 2 प्लस में है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 26 माइनस 2 इक्वल टू 2 d। 26 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 24 इक्वल टू 2 d। और हमारा d कितना हो जाएगा, 24 बाय 2 इक्वल्स टू d। सो d हमें मिल जाएगा कितना, 12। और अगर आपको d पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो आप AP में कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आप a2 कैसे फाइंड करोगे, a2 होगा a प्लस 2 माइनस 1 d। अगर हम इसे an के फॉर्म में लिखें, यानी nth टर्म की फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें, इससे आपको कंपेयर करके लिखना है a प्लस n माइनस 1 d। तो n की जगह पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, an की जगह पे 2, ठीक है। और आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो a तो हमें पता है कितना है, 2 प्लस 2 माइनस 1 कितना बचा, 1 इंटू d। और d की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी है, 12। तो 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। सो यहाँ पे हमारा a2 कितना आ गया, 14। यानी जो हमारी मिसिंग टर्म है वो है 14। बहुत ही सिंपल है, हम बस इक्वेशन बना के किसी भी तरीके से d कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो हम बहुत ही आसानी से अगली टर्म या कोई भी मिसिंग टर्म को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे बस हमारे पास a और a3 था,
हमने बस जनरल फॉर्मूला लिखा और उस फॉर्मूले में A3 से हमने D निकाला और वहाँ से A2 निकाल लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको 5 पार्ट दिए हैं, तो इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पे आपका A मिसिंग है, फिर A2 दे रखा है, A3 मिसिंग है और A4 दे रखा है, यानी हमको A1 और A4 पता है और यहाँ से हमें A और A3 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे भी हम nth टर्म के फॉर्मूले से ही फाइंड करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले हमें A2 पता है कितना है, 13, और A4 पता है कितना है, 3, और हमें फॉर्मूला भी पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 d। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। कैसी इक्वेशन बना लेते हैं कि हमें A2 पता है, तो A2 की इक्वेशन बना लेते हैं और A4 की इक्वेशन बना लेते हैं nth टर्म से, और वहां से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं A2 लिखना चाहूँ तो आप देखो A2 कैसे लिख सकते हैं। आपको हमेशा बार बार इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर करना है, an = a + n - 1 d। n की जगह पे हमें क्या लिखना है, 2, तो A2, फिर a हमें नहीं पता है तो a प्लस n हमें कितना पता है, यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 - 1, और d हमें नहीं पता है तो d एज इट इज। तो A2 को हम लिख सकते हैं a + 2 - 1 यानी कि 1 d, a + d होगी हमारी वैल्यू जो भी होगी, किसकी, A2 की। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे। हमने क्या किया, 13 = a + d, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने इक्वेशन लिखी थी कि A2 हमारा कितना है, a + d, और A2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, A2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 13। हमने उसकी वैल्यू भी लिख दी कि 13 = a + d, और इसे हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम A4 को लिखना चाहें तो A4 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 3 है, a प्लस, और यहाँ पे an - 1 होता है, n - 1, तो n की जगह पे 4 - 1 3 d। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हम a और d कैलकुलेट करेंगे। कैसे, आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करनी है फर्स्ट में से सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में से आपको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो देखिए 13 और 3, ये वाली वैल्यू से ये माइनस करना है, तो साइन किसका आएगा, हमारे पास माइनस का आएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू जो है उसका जो वैल्यू है ये -3 के साथ है, ठीक है। तो आप 3 में से 13 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -10 आएगा। इसी तरीके से a - a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और 3d में से d जाएगा तो कितना बचेगा, 2d, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू प्लस की है इसलिए प्लस का साइन है, ओके। अब यहाँ पे -10 = 2d, यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम d देखें तो वो कितना हो जाएगा, -10/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5। -5, यानी d की वैल्यू हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -5। अगर आपका कॉमन डिफरेंस आ चुका है तो आप क्या निकालोगे, a निकालोगे। अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 13 = a + d, 13 = हमारे पास d आ गया, तो a प्लस, और d की जगह पे हम क्या रख दें, -5। a हमारा कितना हो जाएगा, 13, ये -5 है तो इधर जाके +5 हो जाएगा, 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18। a हमारा क्या हो जाएगा, 18, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। तो वही यहाँ पे किया है, हमें a मिल गया 18, यानी a भी मिल गया, d भी मिल गया। तो हम a3 निकाल सकते हैं, a3 हमारा क्या था, 18, क्योंकि a प्लस n - 1 d, a अभी हमने कितना निकाला, 18 प्लस n - 1 यानी 3 - 1, तो 2, और इंटू d की वैल्यू -5, 2 5 जा -10, और 18 - 10 8, यानी कि हमारा a3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देयरफॉर मिसिंग टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 18 and 8, योर मिसिंग टर्म। इस तरीके से हमने दो इक्वेशन बनाई और दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिया a एंड d, और अगर आपको a और d पता चल जाए तो आप AP में कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगला पार्ट देख लेते हैं इसका।
इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट है, यहाँ पे आपको मिसिंग टर्म है ए टू एंड ए थ्री, ए टू और ए थ्री आपको फाइंड करना है और ए फोर आपको गिवन है। सो कैसे फाइंड करेंगे, अगेन आपको वही चीज करनी है कि ए हमें क्या दे रखा है 5 और ए फोर कितना दे रखा है, दे रखा है 9 वन बाई टू। अगर आप ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, आप इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 9 2 जा 18 प्लस 1, इसे बचपन में सीखा होगा, हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1 ऐड करते हैं, ठीक है, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 बाई 2। सो हमारा पास ए फोर है 19 बाई 2, और हम फॉर्मूला जानते हैं एन टर्म का क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, ए फोर, ए फोर अगर हम निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए फोर इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पे 4 माइनस 1 डी, और ए फोर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी आई है, 19 बाई 2 इक्वल टू ए, ए हमारे पास कितना है 5 है, प्लस 4 माइनस 1 3 डी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करके देखें, यहाँ पे वैल्यू पुट करके मैं दिखा रही हूँ, ए फोर इक्वल टू कितना है, ए प्लस 4 माइनस 1 डी, ए फोर की वैल्यू कितनी है 19 बाई 2, ए की वैल्यू है 5 प्लस 4 माइनस 1 3 डी। अब ये 5 प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 19 बाई 2 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 माइनस, यहाँ पे हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं तो 1 लगा देते हैं, और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 बाई 2। जब भी अगर आपकी इस वाली वैल्यू के नीचे कोई भी टर्म नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 19 माइनस 2 5 जा 10, और फिर पूरे के नीचे पूरे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, तो 19 माइनस 10 कितना हो गया भाई, 10 चला गया तो कितना बचा, 9 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 बाय 2। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जब हम 5 माइनस करेंगे तो 9 बाय 2, और यहाँ पे इधर कितना है 3D, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3D इक्वल्स टू 9 बाय 2, और अगर हम D कैलकुलेट करेंगे तो 9 बाय 2, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, सो D हमें मिल जाएगा 3 बाय 2, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 बाय 2। अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो आप मिसिंग टर्म निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। मिसिंग टर्म हम कैसे निकालेंगे, ए टू हमें चाहिए तो ए टू के लिए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 2 माइनस 1 डी, इस तरीके से लिखेंगे ए टू, ए की वैल्यू हमें पता है 5 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, यानी कि 1 से डी मल्टीप्लाई होगा तो डी ही होगा, और डी हमने अभी कितना निकाला है 3 बाय 2, तो 5 प्लस 3 बाय 2 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, सिमिलर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 5 जा 10 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, 13 बाय 2। सो यहाँ पे हमारा ए टू कितना आ जाएगा 13 बाय 2, ए टू इज 13 बाय 2। ए थ्री निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 3 माइनस 1 डी, ए थ्री कितना है ए 5, और 3 माइनस 1 2 इंटू, तो ये हो गया 5 प्लस 2 इंटू 3 बाय 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 से 3 मल्टीप्लाई होगा 3, तो 5 प्लस 3 आपके पास कितना आ गया 8। सो ए थ्री हमारे पास आ गया 8, और ए टू हमारे पास आ गया 13 बाय 2। सो मिसिंग टर्म्स आर 13 बाय 2 एंड 8। बहुत ही सिंपल है, बस आपने ए और डी फाइंड किया किस तरीके से आपको वैल्यूज, और अगर ए आपको दे रखा है तो बस कॉमन डिफरेंस निकालना है और कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे आपको 4 टर्म्स निकालनी है। देखिए यहाँ पे आपको ए दे रखा है, ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव आपको फाइंड करना है, और ए सिक्स आपको दे रखा है। सो वही बात है कि बस आप कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे और फिर आप वैल्यूज निकाल सकते हो बहुत ईजली। तो हमारे पास ए दे रखा है कितना, माइनस का 4, और ए सिक्स कितना दे रखा है 6। ओके, और हम nth टर्म का फॉर्मूला चाहते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब आप फॉर्मूला में लिखियो ए सिक्स आपको लिखना है, अगर आप ए सिक्स लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, ए सिक्स ए प्लस, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए सिक्स इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पे 6 माइनस 1 डी। अब ए सिक्स की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है 6, मतलब ए की छठे टर्म पे वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है माइनस 4, प्लस 6 माइनस 1 कितना होगा 5 डी, और यहाँ पे क्या है माइनस का 4 है तो इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 6 प्लस 10 4 कितना हो गया 10, यहाँ पे देख सकते हैं इधर गया तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया 10 इक्वल टू 5 डी,
और टेन इक्वल टू फाइव इक्वल्स टू डी, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, टू। और यहाँ पे अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो अगली टर्म हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, माइनस फोर प्लस का टू, आपको ये टर्म मिल जाएगी। यहाँ पे जो टर्म आती है उसमें ऐड करते जाओ, फटाफट कॉमन डिफरेंस ऐड करो, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सो अब हमें ए टू निकालना है, तो ए टू कितना हो जाएगा, ए टू इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और हम कह सकते हैं ए प्लस टू माइनस वन डी, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस डी यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है ए प्लस डी, तो ए कितना है माइनस फोर और डी कितना है टू, तो माइनस प्लस माइनस, फोर में से टू गया टू, वो भी माइनस का। अगली टर्म ए थ्री, ए थ्री होता है ए प्लस टू डी, तो ए प्लस टू डी, ए हमारे पास माइनस फोर और टू इंटू कॉमन डिफरेंस, टू टू जा फोर, माइनस का फोर प्लस का फोर कितना आ गया, जीरो आ गया। ए फोर हमें निकालना है, तो ए प्लस थ्री डी, माइनस का फोर और प्लस थ्री इंटू टू, थ्री टू जा सिक्स, प्लस का है और माइनस का फोर है, तो छः में से चार गया, दो बचा वो भी प्लस का। इसके बाद आपका ए फाइव कितना हो जाएगा, ए और फोर डी, फोर टू जा एट, तो यहाँ पे प्लस का एट और माइनस का फोर, तो आठ में से चार गया चार, वो भी प्लस का। सो मिसिंग टर्म हो गई माइनस टू, जीरो, टू, फोर रिस्पेक्टिवली, ओके। तो ये आपकी मिसिंग टर्म हो गई। अगली वैल्यू देख लेते हैं, अगला पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट जो इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ पे अगेन आपको ए मिस कर दिया है और बाकी तीन वैल्यूज फाइंड करनी है, तो पहले हमें ए और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ए टू हम लिख सकते हैं, ए टू हमें दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, ए सिक्स दे रखा है, टू और सिक्स टर्म दे रखी है। ए टू हमारे पास 38 है और ए सिक्स माइनस 22। जब भी आपके पास दो इक्वेशन बन जाए तो आप दो वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एज वी नो ए पी हमारा कितना होता है nth टर्म का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए टू हम लिखेंगे तो ए टू कितना हो जाएगा, ए प्लस टू माइनस वन, यानी ए प्लस डी, ओके। सो ए प्लस डी, 38 इक्वल टू ए प्लस डी इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ए सिक्स अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस सिक्स माइनस वन, यानी कि 5d, और ए सिक्स की वैल्यू हम जानते हैं माइनस 22, तो ए प्लस 5d। सो यहाँ पे हमें इक्वेशन टू मिल गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब यहाँ पे भी इसमें से आपको ये वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस करनी है सेकेंड में से, तो माइनस 22, ओके। और यहाँ पे कितना है 38, माइनस 22 माइनस 38, तो देखिए दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करनी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस करेगा 60। और यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस माइनस दिस, तो ए से ए तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे आप करोगे 5d माइनस डी, तो कितना हो जाएगा 4d, और ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी में से छोटी माइनस कर रहे हो तो प्लस का साइन होगा, और यहाँ पे आपको हो गया माइनस 60 इक्वल टू 4d, और d शुड बी माइनस 60 बाय 4, सो हमारे पास कितना आ गया 15, कॉमन डिफरेंस शुड बी माइनस 15, माइनस 15 हमें d मिल गया। अब देखिए आपके पास d है माइनस 15, अगर आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको a मिल जाएगा, वही हम करेंगे। देखिए 38 इक्वल्स टू a की जगह पे a प्लस d की जगह पे माइनस का 15, और अगर आप 38 माइनस का इधर ले आओगे प्लस हो जाएगा प्लस 15, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी a, यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा a। सो यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे, सो यहाँ पे हमें a मिल जाएगा 53। जब हमें a मिल गया तो आप बहुत इजीली से a3, a4, a5 निकाल सकते हो। a3 होता है a प्लस 2d, a है 53, 2 और d कितना है 15, तो 2 इंटू 15 कितना हो गया, माइनस का 30, और माइनस का 30 और प्लस का 53, तो कितना आ जाएगा प्लस का 23। a4 निकालोगे तो a प्लस 3d, a है 53 प्लस 3 इंटू 15, 315 मल्टीप्लाई करोगे और इसमें से माइनस, तो आपके पास हो गया 8। A5 निकालोगे तो A प्लस 4D, A और 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 माइनस 53 माइनस का 7, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 60 है और प्लस का 53 है, सो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 7। सो मिसिंग टर्म आपकी हो गई 53, 23, 8 एंड माइनस 7। सो इस तरीके से आप किसी भी सीरीज में मिसिंग टर्म फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ nth टर्म। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये सेपरेट करवाया है। इसका PDF मैं आपको सॉल्यूशन का टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 तीनों का PDF ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहीं पे आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन
एक्सरसाइज वन क्वेश्चन वन टू का वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, साथ ही ट्रिग्नोमेट्री का भी पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया गया है, वो भी आप देख के एंजॉय कर सकते हैं।